इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की होगी विदाई, जल्द ही होगा फैसला, कर लिया गया इरादा। ममता ने पहले पहल की, खड़गे राहुल को भेज दिया संदेश, अब अखिलेश ने दीदी के साथ चलने का मन बना लिया। उत्तर भारत के तीन राज्यों में कांग्रेस के साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। तीन राज्यों में से दो राज्य जहां कांग्रेस की सत्ता रही है वहां कमल की सरकार बनने वाली है, बीजेपी का शासन होगा। इसकी वजह इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को ही माना गया। अब इंडिया गठबंधन से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा संदेश कांग्रेस आला कमान को भेजा गया है जिसे जानकर ऐसा लग रहा है ममता ने कह दिया है कि आप जब तक इंडिया गठबंधन में हैं तब तक इंडिया की तरक्की नहीं हो सकती। अब आपकी राय सुनी नहीं जाएगी बल्कि आप पर फैसला लिया जाएगा। ममता ने जो कांग्रेस के रणनीतिकारों को मैसेज भेजा है उस पर अखिलेश ने जो रिस्पॉन्स भेजा है उससे ये हकीकत भी सामने आ गई। अखिलेश तो ममता बनर्जी का साथ देंगे। ममता के इस फैसले के साथ अखिलेश चल पड़े हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस आलाकमान को क्या संदेश भेजा है जिस पर अखिलेश ने किस तरह से हामी दी, चलिए आपको उससे भी वाकिफ कराते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम ने विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर कड़ा चोट किया है। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद 6 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही इंडिया की बैठक के पहले ही दरार दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने पहले से ही तय कार्यक्रम का हवाला देकर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। ममता की ना के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की भागीदारी को लेकर भी संशय खड़ा हो गया है। सभा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का कहना है कि फिलहाल अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिसंबर को दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए देश भर के विपक्षी दलों को एक करने की कवायद 2023 जून को पटना में शुरू हुई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई पहली बैठक में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की रूपरेखा बनी थी। इसके बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम दिया गया था। इसके बाद अगस्त के आखिर में हुई मुंबई में तीसरी बैठक में समन्वय की विभिन्न कमेटियां बनी थी और कुछ साझा फैसले भी हुए थे जिन पर जमीनी अमल नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे पांच राज्यों के चुनाव इंडिया की पहली बड़ी परीक्षा थे। इसमें ही बिखराव और टकराव सतह पर आ गया है। गठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था न कि राज्यों के चुनाव के लिए। ये बात बताने का कांग्रेस का तरीका इतना नागवार गुजरा कि गठबंधन के कई साथी नाराज हो गए। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर तो कांग्रेस और सपा के बीच जमकर तकरार हुई और एक दूसरे के नेतृत्व तक को निशाने पर लिया गया। बिहार में नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा दिए। बैठक में जिन टीवी एंकरों के बहिष्कार का फैसला किया गया था उनको कांग्रेस के बड़े नेता इंटरव्यू देते नजर आए। इसका सपा ने मुखर होकर विरोध भी किया था। सपा सहित अधिकतर क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के रुख को अहंकार भरा बताया था। आखिरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की एकतरफा जीत ने कांग्रेस का तो मनोबल तोड़ा ही, गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। नतीजों के बाद की पहली बैठक क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस को जवाब और उस दबाव का मौका माना जा रहा है। ममता बनर्जी का किनारा करना इसी का संकेत है। ममता और अखिलेश में समन्वय भी अच्छा है, ऐसे में वो भी उनकी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। नतीजे के बाद से ही सपाई लगातार कमलनाथ का बयान याद दिलाकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। 5 दिसंबर को खुद अखिलेश ने वाराणसी में कहा था कि अहंकार खत्म हो गया। कांग्रेस को पता है कि 2024 में भाजपा को रोकने के लिए उत्तर भारत में मोदी लहर पर बांध बनाना होगा। यूपी में कांग्रेस की जमीन सबसे कमजोर है और निर्भरता सपा सहित दूसरे क्षेत्रीय दलों पर ही है। तीन राज्यों में हार के बाद संकट और गहरा गया है। सपा व दूसरे दल इसे कांग्रेस पर नकेल कसने का मौका मान रहे हैं। इसीलिए संदेश देने की कवायद बुधवार को होने वाली बैठक से हो सकती है।